माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग, आए आपके आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार पॉलिटेक्निक वालों का फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है, आई होप कि आप लोगों को ये बातें पता चल चुकी होगी, लेकिन जिसको नहीं चली है वो भी ये बात जान लेके आ चुकी है, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही है क्योंकि डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड में हम लोगों को इस तरह से दिख रहा होगा, फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट DCCP 2022 CG 9 अवेलेबल लिखा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि यहाँ पे ना डाउनलोड की ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रही है। तो हमको कैसे क्या करनी है, कहाँ पे जाके देखनी है, चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो आपको क्या कर देनी है, आपको फोन पे गूगल पे तो जाते ही है, गूगल पे नहीं जानी है, आपको डायरेक्ट क्या कर देनी है, क्रोम पे जानी है। ठीक है ना, क्रोम पे जानी है, और क्रोम पे जाने के बाद आपको किस तरह देखिए, इस तरह हम क्रोम पे चले गए। ठीक है ना, देखिए इस तरह जब क्रोम पे जाएंगे हम, ओके, तो इसके बाद क्या कर देना है आप लोगों को, देखिए हमको किसी तरह से डाउनलोड करनी है, सिंपल सी बात है ना। चलिए हम देखो फटाफट से आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। इस तरह से आपको चले आने पर क्या करना है, आपको DCC का कोई भी वेबसाइट खोल देनी है, DCCP जिसे ने काउंसलिंग वाला वेबसाइट है, यहाँ पे चार नंबर पे हमको दिख रहा है ना, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, जस्ट अ सेकंड यहाँ पे चार नंबर पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCCP 2022, इसी पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमको डाउनलोड करने से मतलब है, चाहे कहीं से भी हो, थोड़ा वेट करेंगे हम आपको आपकी डाउनलोड करके दिखाते हैं, वेबसाइट कहाँ पे आप कैसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वो जा करके दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी जो सामने लिंक आती है खुल के वो अभी नहीं खुल के आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है, हम लोग वेट कर लेंगे। और आपका फर्स्ट अलॉटमेंट में नहीं आया है तो क्या करें, या फिर आ गया कॉलेज पसंद नहीं है तो क्या करें, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से खुल के आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए आप लोगों को इस तरह से दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकंड हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज के जस्ट नीचे यहाँ पे चार नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे चार नंबर पे आपको देखेगा चेक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1 फॉर DCECEP काउंसिलिंग 2022। ठीक है, तो इस पर क्या कर देनी है आप लोगों को, क्लिक कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देनी है, नॉर्मली ऐसे क्लिक कर देनी है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप आपसे भी डाउनलोड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपके यहाँ पे। ओके, चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, इस तरह से आपके पास खुल के इंटरफेस आ जाएगा, बिहार डिप्लोमा इंजीनियरिंग काउंसिलिंग 2022। ओके, उसके बाद क्या कर देनी है आप लोगों को, यहाँ पे क्या कर देनी है, अपना रोल नंबर फिल कर देनी है, पासवर्ड फिल कर देनी है, और सिक्योरिटी पिन ये है। ओके, तो क्या कर देनी है आप लोगों को, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाउनलोड कर दे, सॉरी यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है ना, चलिए हम फटाफट से फिल भी करके आप लोगों को दिखा देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे सारा कुछ फिल कर दिया है। ठीक है, अब बस क्या करनी है हमको, लॉगिन करनी है। चलिए फटाफट से देखिए, अगर आपका पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, सिंग इन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट का अगर पासवर्ड गलत होगा तो हम फॉरगेट करके भी डाउनलोड करके दिखा देंगे। चलिए कर लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे आ चुका है और OTP हमको बोल, देखिए यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि आपको ना OTP यहाँ पे भेजने के लिए कहाँ पे भेज सकते हैं आप, रजिस्टर ईमेल आईडी पे भेजना चाहते हैं या फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेजना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देते हैं एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 18 वाला नंबर पे इसका OTP चला गया है, तो फटाफट से OTP मांग कर हम OTP फिल करके आपको डाउनलोड करके बता दें, अपग्रेड कैसे होगा, अलॉटमेंट आया है तो किस कॉलेज में आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करना, सारी बातें हम यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए फटाफट से जानते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए सर्वर मतलब क्रैश हो गया, हमको OTP डालते कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से मतलब अभी काम नहीं कर रही है, किसी से डाउनलोड हो रही है किसी से नहीं हो रही, यहाँ तो होने ही वाला था, बस OTP थोड़ा सा स्टूडेंट जो है ना वो देने में थोड़ा लेट कर गई, तो थोड़ा सा लेट हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लेंगे, और कैसे डाउनलोड करना आपको पता चल ही गया। ठीक है, हम जस्ट एक घंटे के बाद बहुत ही डिटेल वीडियो बना के डालेंगे कि आपको अपग्रेड कैसे करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ जाना है, सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जैसे ही वीडियो में अपलोड करें अच्छा से डाउनलोड करके जब सर्वर अच्छे से काम करने लग जाएगी तो आपके पास पहुंच सके। चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे एंड आई होप कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक भी कर देंगे। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टाटा।